नमस्कार मैम। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं प्रसार भारती, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से कुछ पल हमें, हमारे राष्ट्र को दिए। धन्यवाद। मैम, आप तो आदी हो चुकी हैं इतिहास गढ़ने के लिए, तो आपकी अनुमति से सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, हाल ही में हमारे देश के नागरिकों ने आपको मेट्रो में देखा, तो वो पहला अनुभव मेट्रो में राष्ट्रपति के नाते कैसा रहा आपका? देश के राष्ट्रपति भी देश का नागरिक है। मेरा मेट्रो में चलने का शौक था, इच्छा था कि मैंने भी आम आदमी के तरह मैं भी थोड़ा एक्सपीरियंस करूं मेट्रो में कैसे लग रहा है। लोग, हजारों लोग मेट्रो में जाकर आप अपने ऑफिस करते हैं, अपने काम पे जाते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेट्रो का बनावट कैसा है, क्योंकि अभी जैसे लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हार्श मेट्रोपॉलिटन सिटी या ऐसे पॉपुलेटेड सिटीज़ में मेट्रो की ज़रूरत होती है, इसलिए लोग इसमें यात्रा कर रहे हैं तो कितने सहूलियत महसूस हो रहा है, उसको मैं फील करना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती थी। ये माना जाता है भारत का मेट्रो सिस्टम विश्व का सबसे उत्तम और सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम बहुत ही जल्द बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन जब आप ऐसे सिस्टम्स को खुद परखती हैं, राष्ट्रपति के नाते भी, नागरिक के नाते भी, तो उस अनुभव को फिर आप क्या सरकार के साथ साझा करती हैं? ज़रूर ज़रूर। मैं जो भी अनुभव करती हूँ, जो भी महसूस करती हूँ, जो भी फील करती हूँ कि सरकार का जो भी कार्य है बहुत अच्छा है या जो कार्य करना चाहिए, उसके लिए भी मैं कभी कभी उनको सजेस्ट करती हूँ। मैम, हमने देखा कि आपने मेट्रो में अपने यातायात के वक्त स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की, विशेषतः छात्राओं के साथ हमने आपको देखा। तो एक राष्ट्रपति जो एक टीचर रह चुकी है, जब वो नन्ही बच्चियों को देखती है अपने साथ, तो कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं छात्रों के साथ मिली नहीं थी, इस तरह के बैठी नहीं थी, क्योंकि मैं टीचर थी 94 से 97 तक। इसके बाद बच्चों से तो मैं मिलती थी, लेकिन इस तरह के बैठ के बातें करना, ये मुझे मौका नहीं था। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे दिल खोल के मेरे साथ बात की, गाना भी गाए और अपने स्टोरी बताए, कोई स्टोरी भी बताए। बहुत सारे बच्चे और राइटर्स भी है, कोई पोएट भी है, और वो क्या बनना चाहते हैं, बहुत सारा मस्ती भरी बातें हुई। बहुत अच्छा लगा मुझे। सेल्फी के ज़माने में क्या कोई कभी ये हिमाकत करता है कि अपने राष्ट्रपति से सेल्फी मांगे या फोटोग्राफ मांगे? ये आम बातें हैं, हर कोई समझते हैं कि जनरल पब्लिक तो ही समझते हैं कि राष्ट्रपति जैसे ही हम भी वैसे ही, इसीलिए आजकल का जो सेल्फी जमाने में मुझे कहते हैं, मैडम एक सेल्फी हो जाए, तो प्रोटोकॉल ये मना करता है, मैं नहीं करती। लेकिन जनता की भावना का आप आदर करती हैं। ज़रूर। बात बच्चों की निकली मैम, तो बचपन आपका जब आप याद करती हैं, और आज जिस भव्य भवन में आप हैं, ये आपका भवन है, वो यात्रा अगर मैं उसके बारे में चर्चा करूं, तो क्या कभी उस लड़की ने जो अपने गांव में पहली लड़की जिसने कक्षा 5 के बाद भी पढ़ाई की, क्या कभी ऐसा सपना देखा था कि राष्ट्र में किसी संवैधानिक पद पर अथवा अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी? ये सपना तो नहीं था, क्योंकि मैं एक आम लड़की थी। गांव में जैसे दूसरे लड़के थे, लड़की थी, ऐसे ही मैं भी थी, क्योंकि उनके साथ खेलती थी, भागती थी, दौड़ती थी, स्कूल जाती थी, कभी आम चुराया करती थी, कभी मौका मिलने से किसी के गांव, किसी के घर बारी पे जाके, गार्डन पे जाके गुआवा चुराया करती थी, क्योंकि कभी मौका मिले तो घंटों तक तो तालाबों में मैं तैरती थी, क्योंकि मैं भी उसी लड़का लड़की जैसा थी जो गांव में रहते थे। मैं कभी भी सपने भी नहीं देखी थी कि मुझे ये बनना है, और मुझे राष्ट्रपति बनना है कि मुझे कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, क्योंकि उस टाइम बनने के लिए मेरे सोचने के लिए कोई ऐसे मौका ही नहीं था, कोई सोचते नहीं थे। हाँ, एक पढ़ाई करने से एक नौकरी करूँगी ये मैं सोच रही थी। लेकिन राष्ट्रपति ये सोच कैसे विकसित होती है मैम, एक ऐसे गांव में या एक ऐसे परिवार में जो आर्थिक संघर्षों से गुजरता है? एक जनजातीय परिवार में गरीब अंचल में एक लड़की का जन्म होना, और जैसे कि आपने कहा कि आपका उस वक्त का सपना ये कि एक दिन पढ़ लिख कर नौकरी करूँगी, उस ज़माने में तो ये सपना भी बहुत दुर्लभ होता था, बहुत कम लड़कियां ये सपना देखती थी। तो ये सोच आप में कैसे विकसित हुई? क्योंकि मेरे दादी जामशेदपुर के रहने वाले थे। जामशेदपुर मेरे गांव से 60-70 किलोमीटर दूर था, तो क्योंकि जामशेदपुर टाटा के लिए विख्यात है, वहाँ के और लोगों को देखा। खुद पढ़ा लिखा नहीं थे, लेकिन पढ़ाई का क्या मतलब होता है, पढ़ाई करने से लोग कैसे जीते हैं और लोगों को देखा है। तो इसीलिए मुझे कहती थी कि आपको पढ़ना है, क्योंकि अब तुम तो दुनिया में लड़की बनकर आई तो ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ाई के साथ साथ काम भी, घर का काम भी सीखना पड़ेगा। पता नहीं तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो जब आपको ये बोला जाता था कि आपके भाग्य में संघर्ष है, तब आप क्या पलटकर कुछ जवाब देती थी कि नहीं, मैं संघर्षों को पार कर कर एक दिन कुछ बनूंगी? नहीं, उस जमाने में किसी को जवाब देना शायद नहीं था। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ ये चीज़ भी मैं सीख जाऊंगी, और मुझे ये जो कार्य मुझे कठिन लग रहा है अभी, मुझे लगता है एक ना एक दिन ये मुझे सहज लगेगा और इस काम को भी मैं कर पाऊँगी। तो जो लड़की बचपन में आम चुराया, अमरूद चुराया, उसको कभी क्या डांट पड़ी? बहुत डांट भी पड़ी, पिटाई भी पड़ी। तो आज के ज़माने में लोग कहते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चे का दोस्त होना चाहिए। तो अगर माँ बाप अपने बच्चों को इस प्रकार की गतिविधि करते देखें जो बचपन का एक अभिन्न अंग है, तो जैसे कि अंग्रेज़ी में कहते हैं, ऐसे न्यू एज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? कि अनुशासन के लिए थोड़ा डांट तो ज़रूरी है, लेकिन उस ज़माने में 1947 में देश इंडिपेंडेंट हुआ, मैं 58 में आई। मेरा जो सोच भी, मैं कोई बातें कर पाई, कोई सोच पाई, मुझे लगता है इसके बाद 20 साल इंडिपेंडेंट के 20 साल बाद, तो उस टाइम पे तो हम नहीं सोच रहे थे कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। लेकिन अभी का जो दुनिया है, अभी का जो सिचुएशन है, बच्चे छोटेपन में ही बड़े हो जाते हैं, उनका मेंटली और मैच्योर हो जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें उनको पता चल जाता है, इसीलिए अभी प्यार की ज़रूरत होता है। उस टाइम हम हर सिचुएशन को हम झेलते थे, प्यार को भी हम महसूस किया है और डांट को भी मैंने खाई है। जब आप बात करती हैं अपने बचपन की, तो लोगों को अक्सर ये लगता है कि घर में नामकरण जो होता है वो नाम दिया जाता है घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग के माध्यम से या माता पिता के माध्यम से। मैंने सुना है कि द्रौपदी मुर्मू, आपकी अनुमति से आपका नाम ले रही हूँ, ये नाम आपको अध्यापक ने दिया है स्कूल में, क्या ये सत्य है? ये सत्य है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में कोई बेटा का कोई पहले लड़की होती है तो दादी का नाम दिया जाता है, बेटी हो जाती तो फिर बेटा हो जाता है तो उनको दादा का नाम दिया जाता है। एक ऐसा सोच है कि नाम नहीं और नाम उम्र होना चाहिए। ये शरीर ख़त्म हो जाता है, लेकिन नाम रहना चाहिए, नाम कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरे नाम मेरे दादी का नाम दिया गया, मेरा नाम दादी का नाम। लेकिन उसको शायद उस टाइम जो टीचर थे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते थे तो उनको ये नाम पसंद नहीं आया। उन्होंने बोले ये क्या नाम है? क्या नाम था वो? दुर्गी। अच्छा, तो आपको जो परिवार ने नाम दिया वो दुर्गी नाम उनको पसंद नहीं लगा, तो उन्होंने बोले फिर जो मुझे घर पे बुलाते थे, मुझे बत्ती, गांव में जो लाइट होते हैं ना उसको बत्ती कहते हैं, बत्ती। तो बत्ती बोलते बोलते वो फिर आस्ते आस्ते मैं पुती हो गई हूँ। इसके नाम उन्होंने बोले दुर्गी का दो रहने दो और लास्ट का पौधी करने दो, चंद्रौपदी हो जाए। क्योंकि टीचर ने दे दिया होगा तो अच्छा ही होगा। मेरे पिताजी ने बोले ठीक है चलो ठीक है। आपके पिताजी ग्राम पंचायत के सरपंच थे, तो क्या पिता को सरपंच के रूप में देखना राजनीति और राजनीति में सामाजिक व्यवस्था, क्या आपका पहला परिचय उससे पिताजी के माध्यम से हुआ? नहीं, ऐसे नहीं है। और क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भी अंग्रेज के ज़माने पे प्रधान हुआ करते थे। प्रधान जो होते हैं वो टैक्स कलेक्टर होते थे। मेरे दादाजी का जो देहांत हुआ, मेरे पिताजी को ज़्यादा एज नहीं हुआ था, 14 हुआ था, 14 साल हुआ था। इसलिए मेरे पिताजी को भी प्रधान दिया गया है। प्रधान मीन्स वही टैक्स कलेक्टर। तो हाँ, प्रधान के बेटी के नाम पे मुझे जानते थे लोग। अंग्रेज़ी हुकूमत में वो व्यवस्था, भारतीय जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उससे बहुत भिन्न है जी। तो आज जब आप देश के सरपंचों से मिलती हैं जी, आपने अपना अनुभव ग्रामीण अंचल में देखा है जी, आप अलग अलग संवैधानिक पदों पर आसीन रही हैं, तो जब आप वो ग्रास रूट के लोकतांत्रिक इकाई से मिलती हैं तो उनसे क्या आप अपना अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर करती हैं? ब्रिटिश अमल के जो ग्राम प्रधान और अभी का सरपंच, ये बहुत ही एल एंड एवन डिफरेंस है। क्योंकि अभी वो बहुत इंडिपेंडेंटली जीते हैं, बहुत स्वाधीन, क्योंकि वो इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं जी। और इलेक्टेड होते हैं मीन्स उनके बहुत ताकतवर होते हैं, उनके पास बहुत पावर रहता है और लोगों का वेलफेयर में वो अपना समय देते हैं, वेलफेयर करते हैं। इसीलिए ये बहुत इज्जतदार होते हैं। उन टाइम लोगों को डर रहता है, प्रधान लोगों को लोग डरते थे, प्यार नहीं था, क्योंकि ये ब्रिटिश का ये गुमस्ता है, इसीलिए उनको डरते थे। लेकिन अभी और डर नहीं है। अभी लोग संविधान के हिसाब से पंचायत चलता है, इसीलिए लोग प्यार से बातें करते हैं। और खुद सरपंच भी लोगों के द्वारा चुना जाते हैं, इसीलिए और लोगों के साथ भी वो प्यार से बातें करते हैं। तो आज आपका ये इंटरव्यू देश में कई सरपंच पंच देख रहे होंगे, तो आपके अपने अनुभव से अगर आप उनको कोई मार्ग प्रशस्त करना चाहें, राष्ट्र की जो कहीं ना कहीं अपेक्षा है, तब उनको क्या कहेंगे? देखिए, ये जो संविधान का फंडामेंटल जो कहावत है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, टू द पीपल, जो है ना, जो कोड है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और लोगों के लिए ही काम करना चाहिए। और लोग प्यार करते हैं, इसीलिए आपको वोट देते हैं। इसीलिए उसके बदले प्यार ही उनको देना चाहिए और उनका दुख सुख का साथी होना चाहिए। जो भी संवैधानिक प्रावधान है, उसी प्रावधान के हिसाब से उनका सेवा करना चाहिए। आप जिस भूमिका में प्रशासन को देखती हैं, उसमें माँ का एक प्यार झलकता है। हमने सुना कि जब आप राष्ट्रपति भवन पहली बार पधारी, तब आपने एक एक कर्मी को जो राष्ट्रपति भवन से संबंधित है उसको मिठाई भेजी, होली पर आप तिलक लगाती हैं। ये राष्ट्रपति का एक मातृ स्वरूप शायद ही किसी ने कभी देखा हो। मैं तो अभी राष्ट्रपति भवन आई, लेकिन इसके पहले मैं कहीं पे एक सर्विस करती थी, वहाँ भी मैंने रहा। कभी एमएलए थी, कभी मंत्री बनी। लेकिन जहाँ भी मैंने रही, मैं क्योंकि यहाँ मुझे 5 साल रहना है, एक फैमिली तरह कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में मैं विश्वास करती हूँ। छोटे से छोटे कर्मचारी हो, चाहे 3rd ग्रेड के, 4th ग्रेड के हो, या चाहे क्लास 1 के हो, सभी मेरे फैमिली मेंबर्स मैं समझती हूँ। इसीलिए फैमिली मेंबर्स के साथ कभी डांट भी देना चाहिए, क्योंकि कहीं गलती होने से, लेकिन कभी प्यार भी करना चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ को मैं विश्वास करती हूँ। क्योंकि काम के टाइम काम, बाकी जो त्यौहार के टाइम तो त्यौहार जैसा ही फैमिली मेम्बर से जैसा ही मनाना चाहिए, मैं इसमें विश्वास करती हूँ। आपने मात्र की भूमिका में या स्वरूप में राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति के पद पर आसीन होकर जो भावना व्यक्त की, मैंने सुना है कि उससे भी एक बड़े स्वरूप में आपके जिस प्रदेश में आप जन्मी उसके लिए समर्पित एक गीत है जो आपका बहुत पसंदीदा है, वंदे उत्कल जननी जी। तो इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा बताएं अगर राष्ट्रपति जी। वंदे उत्कल जननी जैसे कि हम राष्ट्र के गीत है जन गण मन अधि, ऐसे ही उत्कल के लिए ये एक शुरुआती गीत है बंधन करने का, उत्कल प्रदेश को बंधन करने का ये एक गीत है। और इसको हम जब शुरुआती कोई भी कार्यक्रम होता है इसको हम वंदे उत्कल जननी गाया करते हैं। आपने अपने शपथ समारोह में भी उड़ीसा के भव्य सांस्कृतिक धरोहर को अपनी कुछ कवि के पंक्तियों के माध्यम से दोहराया। हाल ही में जब आपने दोनों सदनों को संबोधित किया, राष्ट्र ने आपके संबोधन को सुना, तब भी आपने उड़ीसा के एक महान कवि की रचना के बारे में वहाँ पर उल्लेख किया। तो आपकी जितनी जीवन यात्रा रही है प्रशासनिक ढांचे में या संवैधानिक ढांचे में, उसमें आपके प्रदेश या देश की सांस्कृतिक धरोहर का कितना महत्व रहा है? देखिए, सांस्कृतिक धरोहर का तो बहुत महत्व है। ये एक आत्मा है, संस्कृति को मैं आत्मा मानती हूँ। संस्कृति ही हमको वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने का एक धारा है, एक आधार है, उसी आधार के तहत हम चलते हैं। ये धरती नहीं रहता, जैसे कि जननी हम कहते हैं वंदे उत्कल जननी, ये धरती नहीं रहता तो हम शायद ये दुनिया में नहीं आते। इसीलिए जो भी हम लोगों के लेखकों ने या कवियों ने लिखा है उसको मैं याद करती हूँ। अभी भी मैं याद है मेरा, अभी भी जो पार्लियामेंट में मैंने बोली, मिसु देहो मिसु मोरो ए देहो माटी रे, मिसु मोरो देहो ए देश माटे देश देववासी चले जान तो पीते रे, ये गोपबंधु का ये जो पंक्ति, ये हम लोगों को एक जो भी एक्सप्लेनेशन हुआ करता था स्कूलों में, ये सब चीज़ को हमको याद दिलाना चाहिए। और इन पंक्तियों का मतलब क्या है राष्ट्रपति जी? पुनः आप अगर मिसु मोरो देहो, ये जो शरीर है, ये शरीर क्षणभंगुर है, आज ये काल खत्म हो जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाए और ये देश के लोग मेरे शरीर के ऊपर गुजर जाए और मेरे शरीर में जितने भी मांस है, जितने भी हाड़ है, जो भी यहाँ खाइया है उसमें भर जाए और लोग यहाँ के लोग उसके ऊपर चले जाए तो मेरे जीवन यहाँ धन्य हो जाएगा। ये धन्य भावना मैंने आपके चेहरे पर, क्योंकि मैं उस वक्त सदन पे थी, देखा जब आप सेंगोल के साथ आपका प्रवेश हुआ। नया भवन है संसद का। सेंगोल जो हम कई चर्चाओं में सुनते हैं कि हस्तांतरण जब हुआ तब उसका एक प्रतीक है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत का गणराज्य, भारत का संविधान, इन सब के बीच का समन्वय और वहाँ उसके संग चलती भारत की महामहिम राष्ट्रपति। तो वो अनुभव राष्ट्रपति जी, आपने पुराना भवन भी संसद का देखा और नया भवन भी देखा, तो सेंगोल के उस अनुभव के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। ज़रूर, उस समय का जो अनुभव तो थोड़ा अनोखा था, क्योंकि ये पहली बार मुझे प्रवेश होने का मौका मिला, वहाँ जाने का मौका मिला, स्पीच देने के लिए मुझे जा रही थी। मुझे एक अजीब सी शरीर में या मन मस्तिष्क में महसूस हुआ कि ये एक पवित्र था, क्योंकि हम ऑगस्ट हाउस जो भी हम सदन को हम ऑगस्ट हाउस पवित्र गृह है, यहाँ 140 करोड़ लोगों का भाग्य नियंत्रण होता जिसे, और उसी में जो सिंगुल ये भी हम धरोहर का ही एक प्रतीक है, उसी धरोहर को सामने जो रखा जाता है, मुझे ये सत्य, न्याय, अहिंसा, धर्मों का ये प्रतीक है, इस प्रतीक को सम्मान देना है। और ये अगस्त हाउस में मुझे जो प्रवेश करने के बाद मुझे जो यहाँ कुछ बोलने का जो मुझे था तो मुझे लगता है ये भी सत्य, न्याय, अहिंसा के ही एक प्रतीक होगा और लोगों के 140 करोड़ लोगों के विश्वास का और उनका स्वार्थ का रक्षा के लिए मुझे बोलना है। इसीलिए मैं मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। राष्ट्रपति महोदय, हमने आपको देखा आप बग्गी में आई और बग्गी का राष्ट्रपति भवन के साथ इतिहास अपने आप में अनोखा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा आपको शायद आदत हो गई अब इतिहास रचने की। मेरी जानकारी में है कि आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में की, फिर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए आप भुवनेश्वर आई। आपने अपनी ग्रेजुएशन रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से पूरी की और फिर आप गई इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट बनकर, अगर मेरी जानकारी सही है तो 1979 से 1983 तक। अब जब आप इरिगेशन डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति से मिलती हैं, क्या यादें ताज़ा होती हैं? जब सर्विस में होती तो अभी रिटायर्ड हो के 4-5 साल हुआ था, ऐसे ही मेरे जो दोस्त लोग भी अभी तो कोई नहीं होंगे अभी। लेकिन मैंने सुना कि मेरे जो इरिगेशन और पावर डिपार्टमेंट में जो मुझे यहाँ राष्ट्रपति का मैं जो शपथ ली उस दिन और मिठाई तो वहाँ बंटन होता था। तो जूनियर असिस्टेंट के नाते आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट में सेवा भी दी, उसके बाद 1994 से लेकर 1997 तक आप श्री औरोबिंदो इंटेग्रल स्कूल में रायरंगपुर में आप टीचर भी रहीं। तो सरकारी व्यवस्था में इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करना और फिर टीचर बन जाना, ये अलग अलग व्यवस्थाओं में आपने अपने आप को कैसे ढाला? देखिए, ज़िंदगी कहते हैं ना, ज़िंदगी एक बेड ऑफ रोज नहीं है, कभी कभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा, मैं गांव में गई और मेरे हस्बैंड जो बैंक ऑफिसर थे उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, उनके साथ मुझे घूमना पड़ा। फिर जो बच्चे बड़े हो गए तो मैंने सोचा कि मुझे कहाँ एंगेज होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाने लगे मैं टीचर होने के लिए मैंने पसंद किया, क्योंकि ये दो काम में मेरे लिए आया। पढ़ना और पढ़ाना ये बहुत अलग चीज़ है। मेरे सोचते मैं टीचर बनूंगी तो मैं खूब एक्सपीरियंस हो जाऊंगी, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, खुद के बच्चों को पढ़ाऊंगी। कहते हैं शिक्षादान एक महादान होता है, शिक्षादान से बड़ा कोई दान नहीं। इसलिए कोई ऐसे डिफरेंस में मुझे, क्योंकि जब आप माइंड मेकअप करते हैं तो कोई भी चीज़ में आप घुस सकते हैं, कोई डिफरेंस कोई होता। वहाँ कोई जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी वहाँ काम किया, यहाँ टीचर के रूप में भी मैं अपने आप को ढाल लिया है। कोई भी परिस्थिति आए उसी रूप से अपने आप को ढालना चाहिए। तो आपने शिक्षिका के रूप में हिंदी पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया। आज कोई छात्र मिलता है आपको जिसको आपने पढ़ाया? ज़रूर, वो लोग अभी कहाँ, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में है, कोई कहाँ, क्योंकि उन टाइम जॉब का अपॉर्चुनिटी था। सब बच्चे अभी अपने अपने जॉब में लगे हैं। वो बच्चे जब आते हैं मुझे नमन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जब आप राष्ट्रपति बनी, आपके विद्यार्थियों का क्या रिएक्शन था? विद्यार्थी बहुत खुश है, यहाँ भी आते हैं मिलने के लिए, यहाँ भी मुझे मिलने के लिए आते हैं, वहाँ जॉब जाती हूँ वहाँ भी आते हैं और बहुत दूर दूर रहते हैं, कभी कभी आते हैं मुझे मिलने के लिए। मुझे आज भी याद है कि जब आपके कैंडिडेचर की घोषणा हुई थी तो आपके प्रदेश में, उड़ीसा में, एक उत्सव का माहौल तो था ही, देश भर में उत्साह था कि पहली बार जनजातीय परिवार से एक महिला को राष्ट्र का इतना बड़ा गौरव, इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है। राष्ट्रपति जी, मुझे ये बताएं कि जब आपने पहली बार सुना कि आपको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, मैंने ये सुना है कि आप तो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, किसी को अपनी साइकिल पर बैठकर आपके पास आना पड़ा और बोलना पड़ा कि फ़ोन उठाइए, शायद आपका कैंडिडेचर अनाउंस हो रहा है। क्या ये सही है? ये सही है, क्योंकि मेरे जो घर जैसा है और कभी कभी टेलीफोन लगता नहीं है, कभी कभी लगता भी है। उन दिनों मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, मेरा तो टेलीफोन इतना स्टैंडर्ड का टेलीफोन नहीं था, लेकिन मुझे मेरे बच्चे ने बोले कि माँ तुम्हारा नाम आ रहा है, तो मैंने मेरे जो जो भी टेलीफोन को मैं अनलोन फोन में नहीं उठाती थी। और कभी कभी वहाँ नॉट रिचेबल भी होता था। तो मेरे जो एक मैं जो गवर्नर थी, मेरा एक पीएस और रायरंगपुर का ही मेरा एक पीएस वहाँ एक मेडिकल स्टोर में और काम कर रहा था, तो उनका नंबर कैसे उनको मिला, उनको टेलीफोन आया, तो उन्हें बोले कि दिल्ली से फ़ोन आ रहा है, तुम आप नहीं उठा रहे हैं, तो भागे भागे आए। उन्होंने बोले उनको हाथ पाँव काँप रहा था, तो दिल्ली से फ़ोन आ रहा है, आप उठा नहीं रहे। मैंने बोले मुझे तो पता नहीं, यहाँ टेलीफोन नहीं लग रहा है शायद, और लग रहा है अभी तो मैं नहीं उठा रही, कहाँ मैंने रखी। तो जो उन्होंने बोले ये प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी मुझे क्यों बात करना सकते हैं, नहीं नहीं आप उठाइए। तो उन्होंने लगाए वही नंबर पे, लगाने के बाद दूसरे तरफ से मैंने प्रधानमंत्री जी का आवाज़ मैंने सुना। तो फिर उन्होंने बोले द्रौपदी जी आपको ये हम बनाना चाहते हैं। तो मैं तो कभी सोची नहीं थी, तो मेरे हाथ पाँव पूरा सुन्न हो गया, मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था सोचने के लिए मैं क्या जवाब दूं। तो फिर मैंने बोले ठीक है, आप सोच रहे हैं तो आप मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं तो आप कीजिए। शायद ही किसी ने ये देखा हो मंजर कि राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार घोषित होता है और वो व्यक्ति अपने गांव के मंदिर में लोगों को मिलता है सेवा देते हुए। मैंने ये भी सुना है कि गांव के आसपास के कई गांव के बड़े बुजुर्ग 80-90 साल के शायद दौड़े दौड़े आपके गांव आए ताकि आपको एक नज़र देख लें। ये भी सुनने में आया कि किसी ने कहा कि एक बार देख लूँ, इसके बाद तुम लौटोगी नहीं गांव। और सही है कि जो न्यूज़ में आया, न्यूज़ में जो लोगों को ये शायद रात को 9 बजे, तो लोग कहाँ से उसी दिन शायद वो हम मेरे छोटे से शहर में लोग कोई सोए नहीं, सभी लोग मेरे घर के बाहर घर के अंदर पूरा भीड़ लगा हुआ एक यात्रा जैसे। साथ ही साथ मेरे जो गांव है ना वो झारखंड से ही नज़दीक है, बॉर्डर में झारखंड से भी आधा लोग तो झारखंड से भी चले आए। तो उन्होंने बोले कि आप तो चले जाएंगे तो अभी तो हम आसानी से मिल पाते हैं, शायद ये वाला पोस्ट हमने सुना है आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, दूर से ही हम देखेंगे। तो इसीलिए वो लोग मुझे देखने के लिए आए, बात करने के लिए आए।